गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मनोज राठौर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चंस 1, 2, 6 को डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7। देखो 7 में आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोरिंग, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, इसमें भी आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में हमें दे रखा है 345। तो सबसे पहले हम इनका पेयरिंग बनाएंगे। तो एक पेयर तो ये हो गया और एक पेयर आपका ये बन गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो 3 है वो ऐसे कौन से नंबर के स्क्वायर के इक्वल या फिर नियरेस्ट है। ठीक है, जैसे कि देखो 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है, 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 करने पर तो ये 3 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर दे। तो अब हम 1 ले क्योंकि 1 इस 3 के क्या है, नियरेस्ट है। तो 1 को आप यहां लिख दो और यहां, फिर आप क्या करेंगे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये 1 इसमें से माइनस कर दो तो 2। अब आपको ये 45 नीचे लेके आना है तो ये आपका हो जाएगा 245। अब ये 1 इसमें आप ऐड करो तो 1 और 1 कितना हो गया आपका 2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आप इस 2 के आगे ऐसा नंबर देंगे कि जो नंबर आप यहां लेंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करो और इसके नियरेस्ट वैल्यू लेके आओ। ठीक है, तो मैं वो नंबर लेता हूं बच्चों, मान लो कि 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 64 और ये हो गया आपका 2 2। ठीक है, यानी कि आप इसकी जगह लेंगे 8, जो 8 यहां लिखेंगे वही आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 आ गया। अब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। ठीक है, अब ये 8 इसमें आप ऐड करो तो ये हो जाएगा 36। अब 36 21 से क्या है, ग्रेटर देन। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पॉइंट लगाएं। जैसे ही आपने पॉइंट लगाया इसके आगे 2 जीरो आपको लगाने हैं क्योंकि स्क्वायर रूट में हर काम पेयर से होता है, तो इसमें सिंगल जीरो नहीं आएगी, डबल जीरो आएगी। ठीक है, अब आप वही प्रोसेस रखेंगे, 36 के आगे ऐसा नंबर लेंगे कि जो नंबर ये आएगा उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके नियरेस्ट आ जाए। तो बच्चों हम लेते हैं यहां इसमें 5 ले लेते, 5 5 25, 2 कैरी और 32 और 3 और ये हो गया 8। तो इस 5 को आप यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे, ये आ गया 1 8 2 5। अब बच्चों इसमें आप ये माइनस कर दो, तो देखो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। अब ये 9 है, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया। ठीक है, अब यहां आपके पास है 0, 10 बन गया, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 जीरो लगा सकते हैं क्योंकि जैसे डेसिमल लगाएंगे तो 2 जीरो आप आराम से लगा सकते हैं। अब देखो आपके पास जो नंबर था 365, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 370। अब 370 के आगे आपको ऐसा नंबर लेना है कि जो नंबर यहां आएगा उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो 27,500 के नियरेस्ट आए। ठीक है, तो ऐसा नंबर हम देखते हैं बच्चों, तो एक काम करते हैं हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 49 और 7 7 49, 4 कैरी और ये हो गया आपका 25। ठीक है, अगर 8 टाइम बोलते तो स्टूडेंट इससे ज्यादा तो नहीं होगा, एक बार 8 टाइम देख लेते हैं। 8 8 64 और 8 7 56 और 5 कैरी, 8 3 24 24 और 25 29, ज्यादा हो गया तो ये नहीं चलेगा, 7 टाइम बोल लेंगे तो ये आ गया 25949। ओके, तो यहां आप 7 लिखेंगे और यहां भी आप 7 लिखेंगे। अब माइनस कर दो आप, 1 रह गया, 5 रह गया, 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और ये हो गया आपका 1। ठीक है, 2 पहले से तक इसका आंसर निकालो काफी है, अगर आगे निकालना चाहो तो आप 0 लगा के कर सकते हैं, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों बी पोर्शन पे आते हैं। बी पोर्शन में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन,
2n2/14 है, 49 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 और प्लस 2 100, तो 100 हो गया अपॉन में 14 है। हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके हम फैक्टर इस तरीके से करेंगे ताकि पेयर वाइज मिले, तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 7 को 7 के साथ करेंगे तो 49, ठीक है। तो यहां से आ गया 10/7। अब 10/7 का मतलब 10 में 7 का डिवाइड दे दो, ठीक है, 10 में 7 का देंगे तो 7 बन जा 7, 3 रह गया, डेसिमल लगा देंगे 0, 7 4 जा 28, 2 रह गया 0, 7 2 जा 14, 6 रह गया 7, 8 जा 56, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख लेंगे, ओके। तो बच्चों ये बी पोर्शन इसका कंप्लीट। अब आते हैं सी पोर्शन पर। देखो सी पोर्शन में अब की बार डेसिमल आ गया आपके सामने, तो सबसे पहले हम डेसिमल को हटाएंगे, ठीक है। तो देखो रूट ऑफ 12587, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसके आगे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लगा। अब 100 का स्क्वायर रूट तो हो ही जाएगा। अब जो आपके पास 12587 है इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, 12587, और एक पेयर तो ये बन गया, एक ये बन गया, और एक आपका ये, इसके आगे जीरो लगा। अब देखो एक है वो किस नंबर की स्क्वायर की इक्वल है, 1 के ही है, तो 1 लिख दो, या भी 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये माइनस कर दो, जीरो आ गया। अब बच्चों आप 25 को नीचे ले लो, ठीक है, अब ये 1 इसमें आप ऐड करो, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब 2 के आगे ऐसा नंबर लेना है कि 2 के आगे कौन सा नंबर, जो नंबर यहां आएगा वही यहां आएगा, उसको मल्टीप्लाई करें तो 25 के नियरेस्ट है, तो सिर्फ 1 ही है, तो 1 लिख दो, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो 21 ही आएगा, ये माइनस कर दो बच्चों तो आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये 1 इसमें आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 22। अब आप नेक्स्ट पेयर को कॉपी करेंगे, आपके पास है 87। अब इसके आगे ऐसा नंबर लो, 22 के आगे आप नंबर लेंगे 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके नियरेस्ट आ रहा है, तो 2 लगा दो यहां, तो ये बन जाएगा आपका 2, 4, 4 और 4, ठीक है। ये 2 इसमें ऐड भी कर दो, ये बनेगा 2, 4, 2, 2, 4, ये माइनस करेंगे तो 3 और ये आ गया 4। आगे इसको करना चाहो तो कर सकते हैं, तो यहां एक आपको डेसिमल लगा दो, डेसिमल लगाते ही इसके आगे 2 जीरो लग जाए। अब देखो आपके पास नंबर है 2, 2, 4, अब इसके आगे ऐसे नंबर लो जो इसके नियरेस्ट हो, तो 1 टाइम ही जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो यहां लिख दो 1 और यहां लिखो, ये हो जाएगा 2, 2, 4, 1। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो आपके पास कितना आएगा, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 4 गया तो 5, और 2 में से 2 0, और ये आपका कितना आ गया 2, ठीक है। अब इसको आगे और कर लो एक पॉइंट, अब ये 1 एक बार इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, 2, 4, 2, ठीक है, और यह कितना बच गया आपके पास 2, 0, 5, 9। अब डेसिमल लगाने के बाद आप 2 जीरो लगा सकते हैं। अब देखो बच्चों इसके आगे ऐसा नंबर लेना है 2, 2, 4, 2 के आगे कि जो कि मल्टीप्लाई करूं तो इसके नियरेस्ट आ जाए, तो बच्चों मैं 9 से ही ले लेता हूं क्योंकि ये आपके पास है बड़ा नंबर, तो 9 से ही कर दो इसको, 9, 9 जा 81, 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 2 कैरी 9 4 जा 36, 36 और 2 38, 3 कैरी 9 2 जा 18, 18 और 3 हो गया 21, 2 कैरी 9 2 जा 18, 18 और 2 कितना होगा 20, चलेगा, मतलब 9 यहां लिखेंगे और 9 यहां लिखेंगे और साथ में ऐड भी कर दो, ये यहां लिख दो 2, 0, 1, 8, 6, 1, ठीक है। दो पहले स्टेट आप निकाल लो, आगे परेशान होने की जरूरत नहीं। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो गया, 9 में से 6 करेंगे तो 3 हो गया, और ये 8 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, और 4 में से सॉरी आपका ये 5 में से 4 आ गया, ठीक है, पीछे आपका 0 बन गया। अब इससे आगे आपको नहीं करना है। अब देखो इसको आपने सोल्व किया, इसको
किसको सोल्व किया है आपने कि भाई इसका स्क्वायर रूट आ गया 112.19 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। अब देखो इसके डाउन में क्या है 10 है तो ये जो डेसिमल है वो एक पॉइंट और खिसक जाएगा तो इसके इक्वल में आ जाएगा 11.219। अंडरस्टूड। तो ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट। अब डी पोर्शन को और देख लेते हैं। देखो डी पोर्शन में क्या है आपके पास रूट ऑफ 0.0564 तो रूट ऑफ 0.0564 मैं क्या करता हूं इस पॉइंट को हटा देता हूं तो 1 आ जाएगा। पॉइंट को हटाने के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 तो 1 2 3 4। अब इसका स्क्वायर रूट तो हो जाएगा स्टूडेंट ठीक है 10,000 है 10,000 का आपको पता है स्टूडेंट कि आपका 100 होगा स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं किसका 564 का 564 का एक पेयर ये बन गया एक पेयर आपका ये बन गया तो यहां 2 आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर इसके नियरेस्ट है यहां भी 2 2 2 जब 4 माइनस करेंगे तो 1 ये नीचे ले आओ 64 और ये इसमें ऐड कर दो आप 2 2 कितना हो गया 4। अब देखो इसके आगे ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से तो आपको ये मिल जाए तो मैं एक काम करता हूं 3 ले लेता हूं ठीक है 3 3 9 और 4 3 12 इसके अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू है। तो स्टूडेंट अपने टेबल बोली 3 टाइम 3 को यहां लिखेंगे और यहां और ये आ गया 129 माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 14 में से 5 बच गया और ये आपका 3 आ गया 3 इसमें ऐड कर दो 3 और ये हो गया 46। अब 46 इससे ग्रेटर देन है तो आप यहां डेसिमल लगाएंगे तो इसके आगे 2 जीरो लिख दे ठीक है। अब देखो 46 के आगे ऐसा नंबर लेना कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं उसी नंबर से तो इसके अप्रोक्सीमेट आ जाए तो बच्चों मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं 9 9 81 8 कैरी 9 6 आपका 54 54 और 8 कितना हो गया 62 6 कैरी 9 4 जा 36 ज्यादा हो गया बच्चों तो 9 टाइम नहीं लेना आपको हम लेंगे अप्रोक्सीमेट 7 के अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं ठीक है। तो 7 7 49 4 कैरी 7 6 46 sorry 42 4 46 4 कैरी 7 4 28 28 और 4 32 तो हमने इसकी टेबल बोली 7 टाइम तो ये आ गया 3 2 6 9 ओके माइनस कर दो तो ये हो गया 1 और ये 3 और ये आ गया 2। अब ये 7 आप क्या करेंगे इसमें ऐड कर दो तो ये आ गया 4 4 और 7 4। अब एक काम और बोलो एक बार और बोल लो ठीक है। तो देखो इसके अप्रोक्सीमेट नंबर क्या हो सकता है 4 7 4 इसके आगे जो आ जाए 3 टाइम बोल लेता हूं ठीक है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं या 4 देख लेते हैं 4 4 जा 16 1 4 4 जा 16 7 28 2 4 4 जा 16 16 और 2 कितना हो गया 18 ठीक है। तो 4 टाइम ही बोल लेते हैं तो ये आ गया आपका 18876 माइनस कर दो 10 में से 6 गया 4 ये आ गया 2 0 10 में 2 बच गया आपका और ये हो गया आपका 12 12 में से 8 गया तो 4 आ गया ठीक है। अब इतना ही बहुत है इसको आगे नहीं करना है ठीक है 2 प्लेस तक आप निकाल लो तो इसका स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 23.74 और इसका स्क्वायर रूट बच्चों आपको पता है 100 होता है ठीक है। तो अब देखो ये डेसिमल 2 पहले पे है नीचे क्या 100 तो इस 100 को हटाने के लिए हम डेसिमल को 2 पॉइंट पीछे लेके आते हैं तो 0.2373 ये इसका स्क्वायर रूट हो गया किसका आपका रूट ऑफ 0.0564 का स्क्वायर रूट आ गया 0.23 सॉरी यहां आपका 4 आएगा 74 ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 8 लेते हैं। 8 में आपको बोला है इन स्टेडियम 3481 सोल्जर्स लाइन अप टू फॉर्म ए स्क्वायर यानी कि 3481 जो सोल्जर्स हैं वो लाइन अप है और वो लाइन उन्होंने इस तरीके से बना रखी है अगर ऊपर से देखा जाए तो वो एक स्क्वायर जैसा दिखता है ठीक है। फाइंड द
नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो, और हमें बताना है कि हर रो में कितने आपके सोल्जर है, ठीक है। तो दैट मींस हमें इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास सोल्जर्स कितने हैं, 3481। ओके, तो एक पेयर तो आपका ये हो गया और एक ये बन गया, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो। अब देखो 34 है वो किस नंबर के स्क्वायर के नियरेस्ट है, तो वो 5 के स्क्वायर के नियरेस्ट है, तो 5 को यहां लिख देंगे और यहां लिखेंगे, फिर 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये इसमें से आप माइनस कर दो तो 9 बच जाएगा, ये 5 इसमें आप ऐड करो, 5 और 5 कितना हो गया 10। अब बच्चों 81 को नीचे ले आते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका 981। अब 10 के आगे ऐसा नंबर आप लेंगे जो जो नंबर यहां आएगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो 981 के नियरेस्ट हो, ठीक है। तो 10 के आगे अपन 9 लेके देखते हैं, 9 9 81 9 9, इसका मतलब यहां 9 आएगा और यहां 9, ये हो जाएगा 81 माइनस करेंगे 0 और ये 9 इसमें आप ऐड कर दो 118, तो ये आ गया आपका 59। तो दैट मींस हर रो में जो आपके सोल्जर थे वो 59 थे, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, ठीक है, इज 59। ओके, यानी कि हर रो में 59 है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।